हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना नया सब्जेक्ट, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, है ना। यहां पर बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है बच्चों, लॉ के बारे में थोड़ा बहुत तो सबने देखा होगा, कभी ना कभी शायद किसी ना किसी का कानून यानी कि वकील से सामना हुआ होगा, और कभी अगर तुमने कोर्ट कचहरी के कागज पढ़े हों तो उसकी लैंग्वेज तो तुम लोगों ने देखी होगी। तो यहां पर इस सब्जेक्ट में बेटा लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल रहेगा, यानी कि लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। इंग्लिश वैसे भी टफ लगती है कुछ लोगों को, और टफ आ जाएगी लैंग्वेज तो थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। बट क्या करें, लॉ की लैंग्वेज है तो हमको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल तो यहां पर कुछ जनरल बातें होने वाली हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मेसी लॉ, फार्मेसी लॉ के क्या सिद्धांत हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लॉ, आखिरकार फार्मेसी में लॉ की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों कुछ कानून कायदे कानून लाने की जरूरत पड़ गई, कुछ वेरियस एक्ट जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, मतलब कि हिस्ट्री में पहली बार आए, उनके बारे में हम जानेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो यहां पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किससे, व्हाट इज लॉ, ठीक है ना। लॉ है क्या, क्या है लॉ? लॉ हम सबको बताए सर, कानून है है ना, कानून, कानून के हाथ सबसे लंबे, ठीक है। लॉ हम सबको ही पता है कानून है, बट कर क्या रहा है ये कानून, कानून क्या कर रहा है, हमको चोरों से बचा रहा है? नहीं, हमको चोरों से नहीं बचा रहा। चोर जो चोरी करेगा चोरी करके ले जाएगा। कानून सही, जो सही लोग सही हैं उनको गलत होने से रोक रहा है। कैसे समझाता हूं मैं, जरा समझना जरा बात को, एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी सी कहानी लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो कि घरों में मैं पूछता हूं, बताओ गेट क्यों लगाया जाता है, घरों में गेट क्यों होता है? हाँ, आवाज आ रही है सर, चोरी ना हो जाए, कोई सामान ना ले जाए। गलत। जो चोर होगा ना, वो ताला तोड़ के चोरी कर लेगा, फिर किसे लगाया गया गेट? तो बेटा गेट इसलिए लगाया जाता है, मान लो घर में कोई सामान पड़ा है कीमती, लोगों के सब घरों में कांस कीमती सामान होता है, गेट नहीं होगा तो जो अच्छा इंसान भी सामने से गुजर रहा होगा ना, वो देखेगा ना घर में यार कोई नहीं है, सामने कुछ पैसा वैसा टका पड़ा हुआ है, तो एक बार को उसका मन भी डोल जाएगा। बात समझ में आई? तो यही वजह है। तो गेट का काम क्या है, जो इंसान सीधा चल रहा है सीधा चलता रहे भैया, यहाँ कुंडी लगी हुई है। तो वही इसी तरह कानून काम करता है, इंसान जो सही है सीधे हैं सच्चे हैं वो अपने रास्ते पर चलते रहे, भटके नहीं, ठीक है। और जो भटक चुके हैं उनके लिए फिर कानून व्यवस्था होती है, ठीक है। तो कह रहा है लॉज आर जनरली फॉर द प्रोटेक्शन, किसके लिए होती है? प्रोटेक्शन, रक्षा करने के लिए होती है, नो डाउट, ठीक है, ऑफ पीपल एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक में एक ऑर्डर बना रहे है ना, ट्रैफिक यहां से चलेगा, लोग लेफ्ट साइड चलेंगे, है ना, एक ऑर्डर बना रहे। ऑर्डर नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी, आजकल हर किसी का हर किसी से जान पहचान निकल आती है ना, तुम मिलो रास्ते में तुम्हें चौराहे पे बताएं, समझ रहे हो ना बात को। तो वही चीज है। तो जनरली लॉ का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। लॉज आर देयर, लॉज यहां पर हैं टू गाइड, हमें गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड प्रोटेक्ट, लोगों को बचाने के लिए। लॉज आर मोर जनरल इन नेचर, अगर हम एकदम और जनरल लेवल में बात करें, एंड दे आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। लॉज जो है मोर जनरल इन नेचर, मतलब बड़े सिंपल से होते हैं। भाई सड़क पे लेफ्ट साइड चलना है, रेड सिग्नल आए तो रुक जाना है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, कोई ऐसा तो है नहीं, कुछ सीखने जैसा है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेट नहीं होते। वी गेट टू सी वट वी शुड, यानी कि हम लोग क्या पाते हैं, वी गेट टू सी, हम देखते हैं वट वी शुड डू एंड शुड नॉट डू डायरेक्टली, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही लॉ हमें बताता है। तो यहां पर हम लोग एक जनरल लॉ की बात कर रहे हैं, अभी फार्मेसी लॉ की बात स्टार्ट नहीं हुई है। भाई फार्मेसी में हम लोग फार्मेसी के मतलब यही सारी चीजें ड्रग्स को लेके हो रही हैं, कौन सी देनी है कौन सी बनानी है कौन सी नहीं बनानी, ये सब बातें होंगी, है ना। आओ आगे चलें। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर एक उदाहरण ले लिया है, वॉकिंग ऑन द रेलवे लाइन इज प्रोहिबिटेड। अब देखो बच्चे, मैंने कहा ना वर्ड आएंगे यहां पर, प्रोहिबिट मतलब मना किया जाता है कि रेलवे ट्रैक पर नहीं जाना है, ठीक है। हेयर वी सी डेट, हम यहां देख सकते हैं, वॉकिंग ऑन द रेलवे लाइन इज प्रोहिबिटेड, वी डू नॉट हैव टू स्पेंड। अब वो कह रहा है यहां साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है, बोला हुआ कि लाइन में नहीं जाना है तो लाइन में नहीं जाना है। वी डू नॉट हैव टू स्पेंड टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट एज इट सिंपल एंड डायरेक्ट। हमें यहां पर कुछ टाइम खर्च नहीं करना है समझने के लिए, पता नहीं क्या लिख दिया है कि नहीं जाना है, पता नहीं अब नहीं जाना क्यों नहीं जाना, अरे नहीं जाना है, वहां ट्रेनें आती हैं, कट सकते हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो सिंपल है और डायरेक्ट है। एक उदाहरण देना चाहो दो, अन्यथा ना दो, ठीक है। आगे आते हैं,
द टर्म लॉ जनरल रेफर टू द सेट ऑफ रेगुलेशन, मतलब क्या होता है लॉ का? लॉ का मतलब है कुछ रेगुलेशन के सेट है और रूल्स के सेट है, 8-10 रूल, उनका एक झुंड है जो तुम्हें पालन करने हैं, टू बी फॉलोड, जिसको फॉलो किया जाना है। लॉ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, लॉ एक्ट की फॉर्म में हो सकता है, जैसे फार्मेसी एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, रेगुलेशन की फॉर्म में हो सकता है, बायलॉज की फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर जो नोटिस वगैरह आते हैं उसकी फॉर्म में हो सकता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो सकते हैं जैसे दो देशों के बीच में होते हैं। तो लॉज के कई सारे रूप हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो मेनली फोकस करेंगे आगे जाके यहां पर जो रहेगा इस सब्जेक्ट में, एक्ट के रूप में रहेगा। अ लॉ इज ऑलवेज फॉलोड बाय पेनल्टी, लॉ बन जाता है और उसके बाद हमेशा क्या लगती है? पेनल्टी, दंड मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ इन फार्मेसी, फार्मेसी में लॉ के मतलब क्या है और क्यों जरूरी होते हैं। लॉज का मतलब कानून, स्टैंडर्ड मतलब मानक, जो मानक होते हैं, और एथिक्स मतलब नैतिकता। कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन फार्मेसी एंड ड्रग, ये सब मिल करके एक्सरसाइज कंट्रोल, कंट्रोल नियंत्रण रखते हैं किसके ऊपर? फार्मेसी एंड ड्रग्स, फार्मेसी और ड्रग्स के ऊपर। ये तीनों चीजें मिलकर, नैतिकता भी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाएंगे तो दिक्कत है, और कानून तो फिर बनाया हुआ, तोड़ोगे तो दिक्कतें पड़ जाओगे। आगे आते हैं लॉ का मतलब क्या है। अ लॉ इज अ रूल और रेगुलेशन, देखो वही वाली बात यहां आ गई, वो जनरल बात कर दी, वही बात यहां पे फार्मेसी में हो गई। लॉ इज अ रूल और रेगुलेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अ गवर्निंग बॉडी, कोई गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है ना। गवर्निंग बॉडी मतलब जैसे कि हमारे में क्या है, कानून जो रहता है, कानून व्यवस्था बनाने वाले लोग रहते हैं, वो लोग कानून बनाते हैं, उसी तरह गवर्निंग बॉडी रहेगी जो फार्मेसी के नियम्स और कायदे कानून बनाती है, ठीक है। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज और प्रिंसिपल, एथिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ वैल्यूज और प्रिंसिपल, आपका सिद्धांत क्या कहता है, मतलब सिद्धांत मतलब आपके वैल्यूज क्या हैं। मतलब कि एक गरीब पेशेंट आया, आपने कहा यार इसको महंगी दवाई भेज दें, ठीक है, जबकि सस्ती आपके पास अवेलेबल थी, आप चाहते तो उसको सस्ती दे सकते थे, गरीब थी उसकी हेल्प हो जाती, उस एक दवाई के पत्ते पर आप 100 रुपये कमा रहे हो, तो हो सकता है आप 20-30 रुपये कम कर लेते हो, बेचारा गरीब है। ये क्या आ गया? एथिक्स में आ जाता है, यानी कि आपके वैल्यूज जो आपके खुद के हैं, जो आप खुद फॉलो करोगे कि मैं फार्मासिस्ट हूं, मेरी वजह से किसी पेशेंट को कुछ हार्म ना हो जाए, ठीक है ना। अगर मैं नहीं जानता हूं तो नहीं जानता हूं, पूछ कर ही काम करूंगा, ठीक है। गवर्निंग पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल की बात क्यों आ गई? क्योंकि आप यहां जुड़े आते हैं पेशेंट से, इसीलिए पर्सनल रिलेशनशिप। स्टैंडर्ड्स आर गाइड, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये गाइड होती है, गाइडलाइन होती है फॉर प्रैक्टिस एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। आपको कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बात समझ में आई? फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, अगर एथिक्स की बात करें तो उसके 5 प्रिंसिपल्स हैं फार्मेसी में, यानी कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको इन 5 प्रिंसिपल्स का फॉलो करना पड़ेगा एथिक्स के तौर पे। ये लॉ नहीं है, ये एथिक्स हैं, मतलब आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको सजा नहीं होगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जैसे बताता हूं, सबसे पहला है बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस इनकरेजेस द फार्मासिस्ट टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। अब बेनिफिट, पेशेंट आया, ठीक है लो दवाई तुम ले लो, फिर तुम उसको क्या कर रहे हो? तुमने कहा नहीं यार, पेशेंट है, उसको बताएंगे कैसे खाना है, क्या करना है, क्या क्या नहीं लेना है, ठीक है ना। तो जब आप पेशेंट के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, यहां पे कोई कानून तो है नहीं, ठीक है दवा आई तुमने दे दिया, दवा दे दी वो लेके चला गया अपना, तुम चाहते थे उसको थोड़ा काउंसिल कर सकते थे, कुछ और बातें कर सकते थे उससे जो उसके लिए हेल्पफुल हो सकती थी, ठीक है ना। तो ये हो गया बेनिफिसेंस, यहां पे कोई कानून नहीं है, ये एथिक्स की बात हो रही है। फिडेलिटी, फिडेलिटी एड्रेसेस अ पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? एक पर्सन की जिम्मेदारी, टू बी लॉयल, वो क्या रहे? फेथफुल रहे किसके लिए, ठीक है, ट्रूथफुल रहे, सच्चा रहे किसके लिए? इन देयर रिलेशनशिप विद द अदर, भाई यहाँ किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं निभाई जा रही है, रिलेशनशिप विद द अदर मतलब पेशेंट के लिए। एक पेशेंट आता है, वो आपको अपने दिल की बात बताने का मतलब क्या हो गया, अपनी बीमारी बता रहा है जो वो किसी से नहीं कह पा रहा है, आपको बता रहा है भाई हमें ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो आपका काम बनता है आप उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसको जितना हो सके, जितना आपके नॉलेज में बेस्ट आप जानते हो वो उसको ज्ञान देंगे, ठीक है ना, और वो बात आप किसी और से नहीं कहेंगे, दैट इज फिडिलिटी। वेरासिटी, द प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी और ट्रूथ टेलिंग, जो सच्चाई है वो बताएंगे, ठीक है ना। रिक्वायर्स दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बी ऑनेस्ट इन देयर इंटरेक्शन विद पेशेंट, पेशेंट के लिए एकदम ऑनेस्ट रहे, ये नहीं कि अच्छा तुम ऐसा कर लो वैसा करो, अच्छा इसमें मेरा फायदा हो रहा है, इसको मैं यही दवाई दे दूं, साथ में यही दे दूं, इसको नुकसान तो होगा नहीं, फायदा हो जाएगा, तो आप उसके लिए ट्रूथफुल रहें, जो चीज बतानी है उसे एकदम सच बताएंगे, कुछ भी गलत नहीं बताएंगे। जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या हो गया? न्याय, कैसा न्याय करोगे पेशेंट के साथ? न्याय करोगे, अब फार्मासिस्ट सीक्स, ढूंढता है, सीख मतलब कोई चीज ढूंढना,
जस्टिस, जस्टिस ढूंढता है किसके केस में, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ रिसोर्सेज, जितने भी उसके पास हेल्थ रिसोर्सेज हैं। ये नहीं कि इसको इसको ज्यादा ओवर करवा रहा है कि इसके लिए कह रहा हूँ भैया दवाई है, एक के लिए कह रहा भैया दवाइयाँ नहीं है, या कुछ और सुविधाएं हैं जो जनरल में सबको ही देनी चाहिए, किसी एक को दे रहा है किसी एक को नहीं दे रहा है, ये काम उसको नहीं करना है। उसके लिए सारे पेशेंट एक समान, ठीक है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी में क्या, अ फार्मासिस्ट शुड नेवर डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन विच ही हैज एक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल एक्टिविटी टू एनी थर्ड पार्टी। अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी के दौरान उसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं बताएगा, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, जब तक कि कानून उसको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, दैट इज ऑटोनॉमी। तो कुछ मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ बेटा वर्ड आएंगे, ये लॉ है, यहाँ पे चाह करके भी रियायत नहीं मिलने वाली कि सर कुछ इजी शब्द बता दो, तो यहाँ पे ये शब्दों का खेल रहेगा थोड़ा सा, याद मतलब ये जो सब्जेक्ट है रटने वाला है तो रटना चालू कर दो। अब बात कर लें लॉज और एथिक्स में डिफरेंस क्या है, तो देख लो लॉज और एथिक्स में डिफरेंस क्या है। लॉ क्या होता है, फॉर्मल होता है, बिल्कुल एकदम फॉर्मल, मतलब है ना जैसे कि ऑफिस में कायदे कानून लगता है, रिटन डॉक्यूमेंट होगा इसका, बकायदा लिखा पढ़ी होगी किस लॉ मतलब किस में क्या क्या इसमें बातें लिखी गई हैं। एथिक्स अनरिटन प्रिंसिपल्स है, मेरे मोरल सिद्धांत, मैं सामने वाले के लिए क्या सोच रहा हूँ, मेरे को हमेशा सामने वाले के लिए अच्छा सोचना है, पेशेंट के लिए हमेशा अच्छा सोचना है, ये मेरी सोच हो गई। एथिक्स कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आपकी पॉजिटिव सोच है, सोच कैसी पॉजिटिव, आपकी जो पॉजिटिव सोच है सामने पेशेंट के लिए वही एथिक्स है, वहां पे कोई लॉ नहीं है, ठीक है। इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट्स, कोर्ट के द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है, इंटरप्रेटेड बाय ईच इंडिविजुअल। अब हो सकता है सामने वाले पेशेंट के लिए भाई मैं तो कर रहा हूं बहुत कुछ भलाई, लेकिन दूसरा फार्मासिस्ट या कहीं और वाला फार्मासिस्ट उसके लिए भलाई ना कर रहा हो, या वो पेशेंट के लिए रूखा हो थोड़ा सा, तो ये हर किसी का अपना खुद का होता है। इस्टेब्लिश बाय लेजिस्लेचर, पूरी व्यवस्था होती है उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। प्रेजेंटेड बाय फिलोसफर्स, रिलीजियस प्रोफेशनल्स ग्रुप, है ना, फिलोसफी दी जाती है, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो फिलोसफर्स होते हैं, बातें बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो ये अच्छा है ना, इस टाइप से होता है, जस्ट लाइक जो गुरु टाइप रहते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। एप्लीकेबल टू एवरीवन, ये हर किसी पे एप्लीकेबल होगी, और जो रिटन डॉक्यूमेंट है फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो सजा हो जाएगी, पर्सनल चॉइस है करे ना करे, ठीक है। प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय कोर्ट, यहाँ पर जो प्रायोरिटी होंगी डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट। प्रायोरिटी डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल, यहाँ पर इंसान खुद अपनी प्रायोरिटी सेट करता, अच्छा नहीं यार मैं इसको ये बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, वाली चीज से छुपा लूं, अच्छा नहीं वाली चीज बता दूं या ये चीज कर दूं, तो वो प्रायोरिटी खुद सेट कर रहा है। लेकिन यहां पे प्रायोरिटी कौन सेट कर रहा है, कोर्ट सेट कर रहा है। कोर्ट मेक्स फाइनल डिसीजन, यहां पर कोर्ट अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो कोर्ट फाइनल डिसीजन लेगा, नो एक्सटर्नल डिसीजन मेकर। तुमसे अगर कुछ गलती हो भी गई तो कोई देखने वाला नहीं है, है ना, तुमने कहा नहीं बताना हमें, ठीक है जाओ भाई किसी और से पूछ लेना, नहीं बताना नहीं बताना। इन्फोर्सिएबल बाय पुलिस एंड कोर्ट, यहाँ पे सजा हो जाएगी, पुलिस आके यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकती है। लिमिटेड इन्फोर्समेंट, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, अगर आपने नहीं बताया ठीक है, किसी ना मतलब डॉक्टर पेशेंट को आपको जैसे केयर करनी चाहिए था आपने वैसे केयर नहीं की, तो वो आपसे शिकायत कर सकता है, भाई आपको बताना चाहिए था, आपने कहा नहीं हमने नहीं बताया मेरी मर्जी, तो वहां पर वो कोई पुलिस नहीं ला सकता, ठीक है ना। तो ये लॉ और एथिक्स, एथिक्स कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव सोच है पेशेंट के लिए, और लॉ मतलब जानते हो कानून है। क्लियर हो गया होगा एकदम, क्लियर कट लॉज एंड एथिक्स, ओके आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब कहानी स्टार्ट हो जाती है हमारी फार्मेसी लॉ को, वो भी वहां से स्टार्ट हो ही गई थी, एथिक्स के बारे में थोड़ी बातें थी, अब बात कर लेते हैं फार्मेसी लॉ क्या है। फार्मेसी लॉ, फार्मेसी लॉ डिस्क्राइब्स फॉर फार्मासिस्ट, किसके लिए डिस्क्राइब हो रखी है, फार्मासिस्ट के लिए डिस्क्राइब हो रखी है। तो हमको सबको पता था लॉ का मैटर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उस लॉ में हर जगह जहां जहां तुम फार्मेसी या फार्मासिस्ट घुसा दोगे वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, फार्मेसी लॉ बन जाएगा, ठीक है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डे टू डे प्रैक्टिस, फार्मेसी लॉ क्या करती है, डिस्क्राइब करती है फार्मासिस्ट को फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डे टू डे, पर डे उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारे लॉज नियम किसके लिए डिसाइडेड है, फार्मासिस्ट के लिए, है ना। जैसे दुकान मेडिकल स्टोर पे देखा होगा बकायदा सब कुछ रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना होता है, दवाई के हर एक चीज रिकॉर्ड रखने होते हैं, तो ये कुछ डायरेक्शन दे रखी है जो उसको करने हैं फार्मासिस्ट को, ठीक है। और अगर वो फार्मासिस्ट कहाँ है, हॉस्पिटल में है, तो उसकी कुछ अलग जिम्मेदारियां होती हैं। फार्मेसी लॉ ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप फार्मासिस्ट हैव विद द पब्लिक दे सर्व, फार्मेसी लॉ ये भी डिफाइन करती है कि आप पब्लिक को जो सर्व, जिस पब्लिक को आप सर्व कर रहे हो, जिसको आप सर्विस दे रहे हो, उससे आप कैसे रिश्ते रखोगे, अच्छे ही रखने पड़ेंगे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसके वो भी कहीं ना कहीं चीजें डिसाइड कर रही है। एज हेल्थ प्रोफेशनल, जैसे कि आप और जब फार्मासिस्ट है हम लोग क्या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, फार्मासिस्ट आर हाईली रेगुलेटेड बिकॉज, इसको बहुत ज्यादा रेगुलेट होना पड़ेगा क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है, बिकॉज द स्लाइटेस्ट
मिस स्टेप, अगर एक भी गलती गलत स्टेप ले लिया इन ड्रग मैन्युफैक्चर, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है फैक्ट्री में वहां गलत स्टेप ले लिया, मार्केटिंग में कोई ले लिया, या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया, या फार्मास्यूटिकल केयर में, या डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन में हो गया, जब मेडिसिन डेवलप होती है, कहीं पे भी एक गलत स्टेप हो गया, कैन पुट लाइफ इन डेंजर, किसी की जान खतरे में जा सकती है, और जान किसकी होगी, पेशेंट की होगी। ठीक है, आगे आते हैं। द प्रोडक्ट फार्मासिस्ट कह रहा है, द प्रोडक्ट फार्मासिस्ट हैव कंट्रोल ऑन, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर द प्रोडक्ट फार्मासिस्ट हैव कंट्रोल ऑन, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर फार्मासिस्ट का कंट्रोल होता है, ठीक है, आर हेल्ड टू बी मोस्ट एग्जैक्टिंग, जिसको फार्मासिस्ट के ऊपर कंट्रोल, फार्मासिस्ट अपनी देखरेख में बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट होते हैं स्टैंडर्ड वाइज ऑफ एनी कंज्यूमर प्रोडक्ट, किसी और कोई और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसके तुलना में, जिसको फार्मासिस्ट की देखरेख में कोई प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड और एग्जैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यही हमारे फार्मेसी लॉ। व्हाट इज लीगल फॉर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए लीगल क्या है, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज लीगल कैन बी एड्रेस्ड बाय आंसरिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए जो बेस्ट होगा वही फार्मासिस्ट के लिए क्या होगा, लीगल होगा। पेशेंट के लिए जो बेस्ट होगा वही फार्मासिस्ट के लिए क्या होगा, लीगल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ओके, फार्मासिस्ट मे नॉट ऑलवेज नो द लॉ, भाई जरूरी था ना, फार्मासिस्ट को सारे के सारे नियम कायदे कानून रटे ही पड़े उस समय, है ना, कोई कहीं पे हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो सारे लॉ उसको याद हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट दे यूजली विल नो वट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट, बट वो जानता है पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है, एंड दिस नॉलेज इज ऑर्डिनरली सफिशियंट, और इतना नॉलेज ही काफी होता है कि वो उसके पास लॉ की नॉलेज ना हो भले तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो पेशेंट के लिए बेस्ट कर रहा है तो समझ लो वो लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आगे आते हैं। फार्मेसी लॉ हैव बीन ड्राफ्टेड टू बी डिस्क्राइब द बेस्ट जनरल अप्रोच, है ना, फार्मेसी लॉ हैव बीन ड्राफ्टेड, वो ड्राफ्ट की गई है टू डिस्क्राइब द बेस्ट जनरल अप्रोच, सबसे जो अच्छी अप्रोच है टू स्पेसिफिक फार्मेसी प्रैक्टिस सिचुएशन, किसी फार्मेसी प्रैक्टिस में आप कितने अच्छे से सबसे बेस्ट काम आप कैसे करेंगे, उस अप्रोच को देखते हुए क्या किया गया है, फार्मेसी लॉ का ड्राफ्ट किया गया है। दे प्रोवाइड गाइडेंस, ये गाइडेंस गाइड करती है काम कैसे करना है फार्मासिस्ट को, बाय एस्टैब्लिशिंग रूल्स, रूल्स बताती हैं भाई ऐसे काम करो ऐसे काम करो, ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटल वैल्यू, उसमें सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कायदे कानून बनाए जाते हैं फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, इट इज इसेंशियल फॉर फार्मासिस्ट टू नो दीज रूल्स एंड हाउ टू यूज देम, फार्मासिस्ट के लिए जरूरी है कि वो जाने कि ये रूल क्या है और इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो व्हाट इज लीगल फॉर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या चीजें लीगल हैं, यहां पे हमने बात कर ली। ठीक है, आगे आते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लॉ, आखिरकार फार्मेसी लॉ आई तो आई क्यों और कहां से आ गई, तो देखो बात करें अगर ड्यूरिंग 1920-1930 की, देयर वर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ हार्मफुल सब्स्टिट्यूट, हो क्या रहा था उस समय, इतना ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, इतना ज्यादा है ना टेक्निकली हम लोग एडवांस नहीं थे, तो हार्मफुल सब्स्टिट्यूट, या सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे कि हम लोग करते हैं एडल्ट्रेंट्स मिला देते हैं, क्या क्या मिर्ची में ईंट पीस के मिला दी, तो इस टाइप से हार्मफुल सब्स्टिट्यूट एंड एडल्ट्रेंट्स बीइंग मार्केटेड इन प्लेस ऑफ जेन्युइन ड्रग, असली ड्रग के जगह, जेन्युइन मतलब असली ड्रग की जगह ये सब नकली और मिलावटी ड्रग आने लगे थे। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सच ड्रग वर पब्लिश्ड इन इंडियन प्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो उसके टॉक्सिक इफेक्ट थे, जहरीले इफेक्ट थे उसके जो इंसानों पर पड़ रहे थे, वो टाइम टू टाइम पब्लिश होते रहते थे, किसमें, न्यूज़पेपर में, इंडियन प्रेस में। अब घटना शुरू हो गई, ठीक है ना, उस समय तक कोई लॉ वगैरह कुछ नहीं था, कब तक देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन मेडिकल गैजेट ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन इंडिया, सेल कौन सी दवा बनेगी, कौन सी मैन्युफैक्चर होगी, क्या होगा, कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, सब अपनी मनमानी के हिसाब से काम हो रहा था। आगे आते हैं। सेवरल डेथ्स वर रिपोर्टेड ड्यू टू स्पूरियस ड्रग, स्पूरियस मतलब खराब, जो बेकार होती है, काम की नहीं है, तो कई सारी मौतें हुई जो कि सामने आ गई लोगों के, इन प्लेस ऑफ आई ड्रॉप्स क्रोटोन ऑयल वॉज यूज, है ना, आई ड्रॉप के जगह क्रोटोन ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, चॉक पाउडर वॉज फ्रिक्वेंटली फाउंड टू बी यूज फॉर अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, जो चॉक पाउडर था सफेद कलर का होता है, पाउडर से पीस दिया मिला दिया तो असली ड्रग है ही नहीं, उसको चॉक पाउडर खाया जा रहा है या किसी और चीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। देयर वर टॉक्सिसिटी रिपोर्ट ड्यू टू ओवरडोज ऑफ मर्करी कंपाउंड,
कई सारे कंपाउंड्स में मरकरी की मात्रा अधिक पाई गई और पॉइजनस, वो पॉइजनस साबित हुआ लोगों के लिए। ये सब चीजें घट रही थी उस समय, टाइम देख रहे हो। इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एक्ट्स एंड रूल्स रिलेटेड टू ड्रग्स, भाई वो तो था ही नहीं, एब्सेंस था मतलब एक्ट्स और रूल्स है ही नहीं। एंड फार्मास्यूटिकल्स इन द कंट्री, मतलब कंट्री में इफेक्टिव एक्ट्स और रूल्स नहीं थे रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल्स। देयर वॉज ए रैट रेस, चूहा दौड़ चल रही थी कि हम आगे कि हम आगे, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड मतलब लो कैटेगरी के स्पूरियस खराब और अडल्ट्रेटेड फॉर्मुलेशन, मतलब प्रॉफिट से मतलब था, कुछ भी बना के बेच दो, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ अलार्मिंग एडवर्स रिपोर्ट, अब पानी नाक के ऊपर हो गया, अलार्मिंग घंटी बज गई, भैया कुछ करना पड़ेगा। डेथ ड्यू टू स्पूरियस एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग एंड इन व्यू ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब विरोध, वो है ना जो जनता विरोध करती है, वो स्टार्ट कर दिया जनता ने कि कुछ करो लोग मर रहे हैं। विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर भी कंट्री के बाहर भी, है ना, जैसे आजकल होता है ना, जैसे कि WHO वाले हैं, बहुत सी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो विरोध करती हैं। कंसर्न विद द पुअर मेडिकल फैसिलिटी ऑफर्ड बाय ब्रिटिश रूलर इन इंडिया फाइनली ऑन 9 मार्च 1927, ठीक है ना। ये सब घटनाएं स्टार्ट हो गई, ठीक है, विरोध स्टार्ट हो गया, सब चीज स्टार्ट हो गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू इनिशिएट एक्शन फॉर द ड्रग लेजिस्लेशन, 1927 में पहली बार उनको लगा कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने दवाइयों को लेकर के कानून व्यवस्था बनाने के बारे में सोचा, शुरुआत की। द काउंसिल ऑफ स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया हेडेड बाय वाइसरी, वाइसरॉय पास्ड अ रिजोल्यूशन टू काउंटर और चेक माल प्रैक्टिस इन ड्रग डिस्पेंशन डिस्पेंसेशन एंड मेडिकेशन। फिर एक क्या हुआ, एक तरह से कह लो कि एक लेटर पास हुआ, एक एप्लीकेशन पास हुई, जिसके अंदर क्या करना था, इन्हीं सब चीजों को जो घटनाएं घट रही थी ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए काम करना था, कमेटी बनाई जानी थी। तो यहां से इस तरीके से देख रहे हो, इस तरह से घटनाएं स्टार्ट हुई। अब आगे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लाने की जरूरत पड़ा हमें लॉ, ठीक है ना, जो पीछे घटनाएं घटी फिर वो उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है लॉ लेके आते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी लॉ लाने की, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, देख ही लिया हमने लोग मर रहे थे। टी इंश्योर, सुनिश्चित करना डेट पेशेंट रिसीव ड्रग ऑफ रिक्वायर क्वालिटी, ड्रग में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी मिले। दिस लॉ एसोसिएटेड विद द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी की सबकी हेल्थ खराब हो रही थी, तो सोसाइटी की भी हेल्थ को यहाँ पे देखा जा रहा था। ओरिजिन की बात करें कि आखिरकार किस तरीके से बात करें, शुरुआत एकदम शुरुआत यहाँ पे लॉ की शुरुआत नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है केमिकल से, देखो यहाँ समझने की कोशिश करना। इन 1811 फर्स्ट केमिस्ट शॉप, यानी कि दवाइयां यानी कि ड्रग्स मार्केट में आना स्टार्ट हो गए हैं, अभी लॉ नहीं आया है, ठीक है। ओपन बाय मिस्टर बाथगेट हु केम टू इंडिया विद ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता, उन्होंने पहली बार अपना केमिस्ट शॉप डाला। इन 1910 दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चर ऑफ टिंक्चर एंड स्प्रिट, उन्होंने दवाई बनाना स्टार्ट कर दी। तो देखो ये दवाइयों की शुरुआत हो रही है, ठीक है, किस तरीके से मार्केट में ड्रग्स आना स्टार्ट हो रहे हैं। इन 1821 अनदर फर्म स्मिथ टेनिस्ट्री एंड कॉर्पोरेशन स्टार्टेड एपोथेकरी, एपोथेकरी होता है दवाइयां बेचने वाला, ठीक है ना, या दवाइयां बना के बेचने वाला, एपोथेकरी शॉप जो दवाई बना के बेचेगी। एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन 1918, और 1918 में उसने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी। इन 1901 बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स अ स्मॉल फैक्ट्री वॉज स्टार्टेड इन कलकत्ता बाय आचार्य पीसी रे, अब इन्होंने भी फैक्ट्री लगा दी और केमिकल बनना स्टार्ट हो गया। इन 1903 प्रोफेसर टी, अच्छा ये सब क्यों हो रहा था भाई, बीमारी बहुत ज़्यादा थी ना अपनी इंडिया में, भुखमरी थी बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे ये सब बढ़ता चला जा रहा था। इन 1903 कर तो रहे थे सब लोग किसके लिए, अच्छे के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ, एक रेट रेस शुरू हो गई कि हमको प्रॉफिट कमाना है, कि हमको प्रॉफिट कमाना है। इन 1903 प्रोफेसर टी के गज्जर ओपन स्मॉल फैक्ट्री एट परेल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल यूनिट एंड अलेम्बिक केमिकल वर्क्स लिमिटेड एट बड़ौदा, ये उन्होंने वहां पे खोला। दीज यूनिट वर नॉट सफिशिएंट, देखो ये भी पर्याप्त नहीं थी टू फुलफिल द नीड ऑफ इंडियन पब्लिक, अब जाहिर सी बात है जब मेन मेन फैक्ट्रियां चालू हुई हैं, इनको देखा तो नहीं छोटी मोटी लोगों ने और खोल दिया होगा, जो कि पर्याप्त यानी कि अच्छी दवाइयां नहीं होंगी, ठीक है। हैंस मोस्ट ऑफ द मेडिसिन वर बींग इम्पोर्टेड फ्रॉम एब्रॉड, ज्यादातर दवाइयां बाहर से आने लगी, खासकर UK, फ्रांस एंड जर्मनी से, क्लियर है। इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द नीड वॉज इंप्रूव्ड, पहले वर्ल्ड वॉर में भाई लोग मरे काफी ज्यादा, जख्मी हुए, तो उसमें थोड़ी सी इंप्रूव हुई। डिमांड फॉर इंडिजिनस ड्रग, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी ड्रग, वॉज ऑल्सो इंप्रूव, वो भी इंप्रूव हुआ बड़ा थोड़ा सा। कॉम्पिटिशन बिकम्स अनहेल्दी, कॉम्पिटिशन अनहेल्दी हो गया भाई, मतलब नहीं कुछ भी बेच दो दे दो, प्रॉफिट होना चाहिए। एंड इंडियन मार्केट फ्लडेड विद इन्फीरियर, एक कॉम्पिटिशन इतना अनहेल्दी हो गया कि इंडियन मार्केट में बाढ़ आ गई इन्फीरियर, लो क्वालिटी की, सब स्टैंडर्ड एंड इवन हार्मफुल ड्रग्स की बाढ़ सी आ गई।
अब जरूरत पड़ गई थी, अब यहां पे फिर वही कहानी जो स्टार्टिंग वाली थी, ठीक है, ये सब घटना घट रही थी, फिर वाली कहानी हम जोड़ सकते हैं उसमें आगे। अब क्या होगा कि जब बाढ़ आने की वजह से इतना ज्यादा नुकसान होने लगे, मौतें होने लगी कि वो सब करना पड़ा। और हुआ क्या, वो जो वायसराय ने कमेटी बैठा करके जो एक एप्लीकेशन एक फाइल पास कर दी थी, उसकी वजह से ये आई पहली कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, DAC, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये पहली कमेटी बनती है ड्रग्स को लेकर के अपने इंडिया में। ऑन 11th अगस्त 1930 ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी DEC वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल RN चोपड़ा, विच वॉज अ हिस्टोरिक डेवलपमेंट, जो कि एक सबसे हिस्टोरिक डेवलपमेंट था, सिग्नलिंग बिगनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन अवर कंट्री, जिसने कि सिग्नल दिया कि अब हमारी कंट्री में दवाइयों के कानून को लेकर एक नई चाल शुरू हो जाएगी, एक नया एरा आ जाएगा, एक नया युग आ जाएगा। द कमिटी वॉज आस्ट टू मेक, कमिटी से कहा गया कि इंक्वायरी करो इन द सैड मैटर, सैड मैटर मतलब जो ऊपर की बातें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, पॉइजनस चीजें आ रही हैं, उसके बारे में लेके इंक्वायरी करो, एंड देन टू मेक रिकमेंडेशन, और उसके बाद रिकमेंडेशन दो, बताओ कि क्या करना चाहिए फॉर स्मूथ कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ रहे, आराम से हो, ड्रग इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, मतलब जो भी कुछ काम हो, सेल मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं कहना चाहिए, इंपोर्ट ही कहना चाहिए, सब पब्लिक की हेल्थ के अकॉर्डिंग हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कमिटी, इस कमिटी से पहले देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग द इंपोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, इस कमिटी से पहले कंट्री में कुछ भी नहीं था, कभी भी रूल रेगुलेशन बनाने की कोशिश नहीं की गई, नो एक्ट वॉज इन वो, कोई भी एक्ट प्रचलन में नहीं था हमारे प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन को बताए, ऐसा भी कोई एक्ट नहीं था, मतलब कुछ नहीं था, ये जो भी कुछ करता धरता हमारी कंट्री में आज हम लोग देख रहे हैं फार्मेसी से रिलेटेड, इस कमिटी की देन एक तरह से, ठीक है। देयर वॉज नो सिस्टमेटिक प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट, मतलब बता रहा है ये लाइन, सिर्फ ये बता रही है, इस कमेटी से पहले कुछ नहीं था कंट्री में, किसी टाइप का कायदा कानून नियम नहीं था, कोई भी जाके फार्मासिस्ट बन जाएगा, कोई भी जाके कुछ ही बन जाएगा, क्लियर है। अब आगे आते हैं, देखो इस कमेटी ने सब कुछ खोजबीन की अपना, सब कुछ देखा और फिर रिकमेंडेशन दे दिया, उसने कहा कि देखो ये काम करोगे, लगभग 90 रिकमेंडेशन दिए थे, 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम यहां देख ले रहे हैं, 90 में से 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 कौन कौन से हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना, एक सेंटर की और एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल, विच वुड लुक आफ्टर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स, आज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसी कमेटी की देन है, काउंसिल वुड मेंटेन द रजिस्टर कंटेनिंग नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हर कोई फार्मासिस्ट नहीं बनेगा, जिसने एजुकेशन ले रखी होगी वही बनेगा। क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल मशीनरी, ड्रग कंट्रोल करने के लिए एक मशीनरी, मशीनरी मतलब एक टीम होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, पूरा डिपार्टमेंट्स होना चाहिए एट द सेंटर एंड एट द ब्रांचेस ऑफ ऑल स्टेट, पूरा पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, हमारे पास लेबोरेटरी होनी चाहिए जो कि वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, उसके अंदर सारे के सारे इक्विपमेंट होने चाहिए दवाओं को बनाने से लेकर के, विथ कॉम्पिटेंट स्टाफ, स्टाफ कॉम्पिटेंट होना चाहिए मतलब दक्ष होना चाहिए, दक्ष मतलब निपुण होना चाहिए अपने काम में, एंड एक्सपर्ट फॉर एफिशियंट एंड स्पीडी वर्किंग, और काम भी तेजी से करे। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, स्मॉल लेबोरेटरीज वुड वर्क अंडर द इट्स गाइडेंस, और छोटी छोटी लेबोरेटरीज हैं वो इसके गाइडेंस में काम करेंगी, CDL के गाइडेंस, मतलब ये मेन रहेगी, बाकी जो हर जगह फैलेंगी लेबोरेटरी छोटी छोटी वो इसके गाइडेंस में काम करेंगी। ये 3 थे हमारे पास मेन, बाकी तो 90 हैं, ठीक है। फिर पास होता है हमारे पास क्या, ड्रग बिल, ड्रग बिल क्या है आओ देखें। Because of reluctant approach of government towards implementation of the recommendation of DEC, public pressurized the government. हुआ क्या, recommendation तो दे दिए, government को फर्क नहीं पड़ रहा था, मरे तो मरे public, government को कहाँ फर्क पड़ता कभी भी, public आ गई सड़कों पर, उसने pressurized किया government को। Ultimately 1937 import of drug bill was introduced, केवल import, जो drug import हो रही थी उसके लिए एक bill pass हुआ in legislative assembly, हमारी संसद वगैरह थी, ठीक है, टू कंट्रोल द इंपोर्ट ऑफ ड्रग, की ऐसा वैसा कोई भी ड्रग ना आए, केवल अच्छा ड्रग आए अंदर। However, हालांकि द मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द बिल, जो कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा था, सेल हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उसको इस बिल के अंदर नहीं लाया गया अभी तक। कमिटी फोर्स द गवर्नमेंट टू इंक्लूड ऑल दिस एस्पेक्ट, कमिटी ने कहा भैया सब लेके आओ, अन्यथा ये जो हमने रिकमेंडेशन की है और जो चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगी,
ठीक है, एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ, इन 1940 ड्रग बिल वॉज अगेन इंट्रोड्यूस इन असेंबली, द्वारा से बिल लाया गया असेंबली में, ड्रग बिल 1940 वॉज पास्ड, और ये बिल 1940 में पास हो गया। बढ़िया, ठीक है, इट केम इन टू फोर्स एज ड्रग एक्ट 1940, है ना, ये किस रूप में आया, ड्रग एक्ट 1940 के रूप में आया, ठीक है। लेटर ऑन इट वॉज अमेंडेड, अमेंड मतलब उसमें कुछ चीज है ना घटा बढ़ा देना और उसको फिर नया कर देना, अमेंड किया गया मैनी टाइम्स कई बार, एंड एट प्रेजेंट द एक्ट कवर्स प्रोविजंस रिलेटेड टू ड्रग्स, कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, यूनानी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। आज की डेट में ये इतना, इसको इतनी बार चेंज किया सकता, अमेंड किया गया जा चुका है, मतलब चेंजेस आ चुके हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर हर चीज कवर होती है इस एक्ट के अंदर, क्लियर है। द प्रेजेंट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ड्रग एक्ट 1940। तो आज का जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है वो ड्रग एक्ट 1940 का एडवांस वर्जन है ना, जैसे कि मूवीज होते ना 1.2 1.3 करके वर्जन आते हैं, तो ये 1940 एक्ट का एडवांस वर्जन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग बिल क्या है, टू कंट्रोल इंपोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीजें हैं, ड्रग जो इंपोर्ट होंगी वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर होंगे अच्छी क्वालिटी की मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो होगी वो नियम अनुसार होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड मेनी रूल्स फॉर द सेम एंड प्रेजेंटेड इट एज अ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, ठीक है, ये वही बस बात है, दिस एक्ट एंड रूल्स वर अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टाइम पर ये अमेंड होता रहता है, अमेंड होता रहता है मतलब अगर लगता है कि हाँ ये चीज रह गई इसके अंदर, ये भी इसके अंदर ऐड होनी चाहिए थी, तो वो टाइम टाइम पर उसके अंदर ऐड करके पास कर दी जाती है, तो और बिल हमारा अमेंड मान लिया जाता है, ठीक है। अमेंडेड, प्रोहिबिटेड, ये सारे वर्ड बेटा लॉ से रिगार्डिंग रहेंगे तो आने चाहिए तुमको। अदर इंपॉर्टेंट एक्ट, जो इंपॉर्टेंट एक्ट जिन्होंने इतिहास रचा, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 द अदर एक्ट वर ऑल्सो इनेक्टेड, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीईसी, डीईसी ने जो रिकमेंड किए थे वो सारे धीरे धीरे आ गए। फार्मेसी एक्ट आया 1948 में, द ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज 1954 में आया, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में आया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1979 में आया, ठीक है, जो कि चेंज हुआ 1987 में, नार्कोटिक ड्रग का आ गया, जो कि पता ही नार्कोटिक ड्रग्स नशीले होते हैं, 1985 में आ गया, है ना, जो जो चीजें नहीं थी वो धीरे धीरे इंक्लूड करती जा रही हैं, आती जा रही हैं। मिसलेनियस एक्ट कुछ, द इंडस्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्री पर भी कंट्रोल लगना चाहिए था, द इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एक्ट, उनमें जो एम्प्लॉय काम करेंगे है ना वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही हो हमारे, फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री जब बनती है हमारे पास तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है दवाई के लिए कि प्रॉपर है कि नहीं है, इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट, ठीक है, जो डिजाइन होते हैं ड्रग वगैरह के, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958, किस चीज को आप सेल करोगे, ट्रेडिंग करोगे, वो सब के बारे में यहाँ बातें होने वाली थी। तो ये कुछ खास खास एक्ट थे जिन्होंने क्या किया, इतिहास बनाया फार्मेसी लॉ में। तो यहां सब चीजें क्या हैं, रटने वाली हैं और लिख लिख कर याद करने वाली हैं और रिवाइज करने वाली है। तो क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, ओके, तो रिवाइज करोगे ना, गुड, ऑल द बेस्ट।